तो दोस्तों, यदि आपका भी पबजी मोबाइल लाइट अटक अटक के चल रहा है, लेक करके चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, पिंग हाई आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो दोस्तों आपका इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी, मुझको पता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इससे आपको पूरी तरह से समाधान कर दूँ तो ये दोस्तों इसका पूरी तरह से समाधान मेरे पास है। ऑलरेडी मेरे चैनल पे कई सारे वीडियो पड़ा है, आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो दोस्तों आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में पूरी तरह से आपको समाधान ला दिया हूँ कि कैसे आप अपने पबजी मोबाइल लाइट को पूरी तरह से सही कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कई सारे प्रॉब्लम को फेस किया है, उसको सॉल्व भी किया है। क्योंकि दोस्तों, मुझे सॉल्व करना बहुत ही अच्छा लगता है, मैं ऐसे प्रॉब्लम को बहुत सारा सॉल्व करता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए अभी मैं आपको कुछ प्रोसेस बताता हूँ जिसकी वजह से दोस्तों आपका पबजी मोबाइल लाइट का ये प्रॉब्लम तो से सॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों, जो पहला प्रोसेस है वो है आपके मोबाइल में रेम स्टोरेज कम है। बैकग्राउंड में अगर आपका कोई एप्लीकेशन जो खींच रहा है, बैकग्राउंड में रनिंग कर रहा है, तो दोस्तों इससे आपका थोड़ा बहुत लेग कट सकता है, अटक अटक के चल सकता है जी दोस्तों। और अगर आपका अटक अटक के चल रहा है, अटक अटक का चल रहा है, एक अलग होता है, जैसे थोड़ा गेम ले गए, रुक गया, फिर थोड़ा मतलब ये हुआ, ये सब बात होता है। अगर आपका पबजी मोबाइल लाइट के अंदर लॉबी में भी अगर हैंग वगैरह कर करके चलता है, तो दोस्तों उस पर मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो बनाया था जिसमें आईडी चेंज करके आपको दिखाया था, लिंक वगैरह करके। तो दोस्तों आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर पड़ी होगी, बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये बात हो गई अटक अटक के चलना। दोस्तों बात आती है हमारी पिंग हाई आने की। दोस्तों अगर आपके पबजी मोबाइल लाइट के अंदर पिंग हाई आती है, तो दोस्तों इसका मेन सा उदाहरण यही है कि पिंग तो 100-150 तो नॉर्मल आदमी का आता है, उससे अधिक आता है, तो दोस्तों आपको ज़रूरत है आपको अपना नेटवर्क स्थिति चेक करना कि आपके एरिया में कौन सा सिम का अच्छा नेटवर्क आता है, आपको वही सिम रखना है। और दूसरी बात आती है दोस्तों वीपीएन की। तो दोस्तों सबसे अच्छी वीपीएन की बात करूँ तो दोस्तों आप क्विक वीपीएन को लगा कर खेल सकते हैं, वन और वीपीएन को लगा कर खेल सकते हैं, वीपीएन मास्टर को लगा कर खेल सकते हैं। ये तीनों वीपीएन अच्छा है पबजी मोबाइल लाइट के लिए फिलहाल के लिए, और किसी वीपीएन को मैं आपको सुझाव नहीं दूंगा यूज करने के लिए। अगर आपके पास कोई वीपीएन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों ये बात हो गई। अब बात आती है दोस्तों हैंग करना, जैसे दोस्तों कई बार बीच में से पबजी मोबाइल लाइट कट जाना, ये होना वो होना। दोस्तों अगर ऐसा प्रॉब्लम आती है आपके पबजी मोबाइल लाइट के अंदर, तो दोस्तों एक बार आप अपने पबजी मोबाइल लाइट को इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल करने के बाद से आप टैप टैप एप्लीकेशन से या टॉप टॉप जो भी नाम है उसका, उससे आप डाउनलोड कर लीजिए पबजी मोबाइल लाइट, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जी दोस्तों, ये सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम का एक ही समाधान है, आप इंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए, उस सबका तो समाधान हो जाएगा। अटक उटक का चलना तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि दोस्तों वो थोड़ा अच्छी प्रोसेस है और बड़ी तरह से समझाया हूँ, तो दोस्तों उसलिए आपको उस वीडियो को ही देखना होगा। मैं चाहूँगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा देना और करा भी दूंगा, तो दोस्तों आपको उस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट ट्रिक में मैं उसको नहीं बता सकता, मोबाइल के थ्रू ही आपको बता सकता हूँ। तो गाइज आप ये समझ चुके हैं, और आपके पबजी मोबाइल लाइट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करें, और उसको हम जरूर रिप्लाई देंगे और जवाब देंगे। और आपके पास कोई समाधान है, कोई ट्रिक्स है, तो दोस्तों आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल वाला आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं पबजी मोबाइल लाइट से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूँ, नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।